इन बातों से जीवन में सीख ले। नंबर एक, सफलता की खुशियां मनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक अपनी असफलता से सीख लेना अच्छा है। नंबर दो, अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताना अच्छा होता है। ऐसे सहयोगी बनाएं जिनका व्यवहार आपसे अधिक अच्छा हो, तब आप उसी दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। नंबर तीन, यदि लोग आपके लक्ष्य पर नहीं हंस रहे हैं तो आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। नंबर चार, आपके चुनाव आपके भाग्य का फैसला करते हैं। सही विकल्प चुनने में समय लगाइए। अगर आप गलती कर देते हैं तो कोई बात नहीं, उससे सीखिए और उसे दोबारा मत दोहराइए। नंबर पाँच, स्वीकार करें कि आपको हमेशा वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कभी कभी आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता, और ये बिल्कुल सामान्य बात है। नंबर छह, सभी के साथ हंसो लेकिन सब पर भरोसा मत करो। अपने अतीत से बाहर निकलना सीखो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, याद रखें कि वो आपका अतीत है ना कि भविष्य। नंबर सात, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, बहुत अधिक उम्मीद आपको अंदर से मार सकती है। नंबर आठ, अपने आप को किसी के लिए बहुत अधिक उपलब्ध ना करें, वरना आप अपना महत्व खो देंगे। नंबर नौ, अगर आप रोना चाहते हो तो रो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मर्द को भी कभी कभी दर्द होता है, याद रखें आपके पास हर चीज का कोई ना कोई विकल्प होता ही है। नंबर दस, याद रखना दुश्मन से भी ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो। नंबर ग्यारह, कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम कचरे का होता है, इंसान का नहीं। नंबर बारह, अगर आपका कुत्ता किसी और को छोड़कर आप पर भौंकने लगे तो समझ लीजिए उसको खाना कोई और डाल रहा है। समझने वाली बात, जानवर हो या इंसान, मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। नंबर तेरह, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वह इस बात पर कम ध्यान देता है कि आदमी क्या कह रहा है, वह केवल ये देखता है कि आदमी क्या कर रहा है। सिर्फ 10 मिनट में आपकी जिंदगी सफल या बर्बाद हो सकती है। नंबर एक, 10 मिनट किसी राजनेता के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। नंबर दो, 10 मिनट किसी साधु संत के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आप अपना सब कुछ दान कर दोगे। नंबर तीन, 10 मिनट किसी व्यापारी के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी कमाई कितनी कम है। नंबर चार, 10 मिनट किसी किसान के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते। नंबर पाँच, 10 मिनट किसी फौजी के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आपकी नौकरी और आपका त्याग बहुत तुच्छ है। नंबर छह, 10 मिनट शमशान घाट के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में सब मोह माया है। नंबर सात, 10 मिनट किसी मित्र के साथ बैठिए, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।